हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और अभी तो हमारा बस बहुत ही कम काम बचा हुआ है, और जो हमारा काम बचा हुआ है उसे हम लोग अब फिनिश करेंगे। ठीक है, देखो कल की क्लास में हमने अपनी क्लास को कहाँ फिनिश किया था, आप ये देखो। पहले हमने कल की क्लास को फिनिश किया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेज़रमेंट। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि डायरेक्ट मेथड में हम डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, और इनडायरेक्ट मेथड में हम कुछ मेथड्स का यूज़ करते हैं डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। ठीक है बेटा, तो अभी हम लोग आ जाते हैं अपने इनडायरेक्ट मेथड पर डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए। सबसे पहला जो मेथड हमारे पास में आता है इनडायरेक्ट मेथड्स में, इस मेथड का नाम है बच्चों एको या ईको। बहुत सारे इसे पर्नशीट करते हैं एको से, और बहुत सारे लोग इसे ईको से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखो एको का यूज़ करके हम किस तरीके से डिस्टेंसेस को मेज़र करेंगे। ठीक है बेटा, अब होता क्या है, ईको के मेथड में एक होता है हमारे पास में साउंड एमीटर, यानी जिसके अंदर से साउंड निकलती हैं। समझ आ रही है बेटा बात? एक होता है हमारे पास में साउंड एमीटर, जिसके अंदर से निकलती हैं साउंड, ओके? और एक होता है हमारे पास में ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हमें मेज़र करनी है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ मैंने लगाया हुआ है एमीटर, और यहाँ मैंने लगाया हुआ है रिसीवर। ऊपर की तरफ मैंने लगाया हुआ है एमीटर, और नीचे की तरफ मैंने लगाया हुआ है रिसीवर। यहाँ से साउंड एमिट होगी, ऐसे साउंड एमिट हुई, सामने वाले ऑब्स्टेकल, हमारे सामने की तरफ कोई दीवार है, या हमारे सामने की तरफ कोई माउंटेन है, या कोई और ऑब्स्टेकल है, कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, कुछ भी हो सकता है जहाँ तक की डिस्टेंस हम लोगों को मेज़र करनी है। उस सामने वाली दीवार से, उस सामने वाली रुकावट से हमारी साउंड बेटा टकराई, और टकराने के बाद में रिफ्लेक्ट हो गई। ऐसे साउंड टकराई और टकराने के बाद में रिफ्लेक्ट हो गई, और रिफ्लेक्ट होने के बाद में रिसीवर ने उसे कर लिया है रिसीव। रिसीवर ने साउंड को कर लिया है बेटा रिसीव, ओके? अब आप देखिए स्टूडेंट कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हमारे पास में यह है एक्स। एमीटर से लेकर ऑब्स्टेकल तक की जो डिस्टेंस है हमारे पास में वो है एक्स। ठीक है, सो हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड। साउंड ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की भाई? साउंड यहां से लेकर यहां तक गई, साउंड फिर यहां टकराई, तो यहां से यहां जाने में एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की, वापस आने में साउंड ने अगेन एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की, यानी कुल मिलाकर साउंड ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो है 2x। और बेटा डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में वो होता है स्पीड इनटू टाइम। ये हमारे पास में डिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब आप देखो स्टूडेंट, मान लीजिए कि साउंड की जो स्पीड थी वो v थी। ठीक है बेटा, साउंड की जो स्पीड थी वो v थी, और साउंड की स्पीड की जानकारी हमें पहले से होगी, हमें पता होगी साउंड की स्पीड कितनी होती है, और साथ में है टाइम। अब टाइम का कैसे पता लगेगा? मान लीजिए कि आप किसी हिल एरिया पे हैं, और आप जोर से चिल्लाते हैं, आपने जोर से चिल्लाया, ठीक है, आपने चिल्लाया, चिल्लाने के बाद में आपने स्टॉप वॉच को चालू कर दिया, और उसमें देखा कि टिक 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 टाइम बढ़ रहा है। कुछ देर के बाद में आपकी ही आवाज़ लौट कर आपके कानों में आती है, और जब आपकी आवाज़ लौट कर आपके कानों में आती है, हमने मान लिया 2 सेकंड के बाद हमारी आवाज़ हमारे कानों में दोबारा से लौट कर आई, तो साउंड को जाने में, हिल से टकराने में, और फिर वापस आने में 2 सेकंड का समय लगा। तो ये जो टाइम है ना बेटा, ये वही है कि साउंड को जाने में और वापस आने में कितना टाइम लगा है। बस हमें ऑब्जर्व करना है ध्यान से इस टाइम को। अगर हम सही तरीके से इस टाइम को कैलकुलेट कर पाए, इस टाइम को हमने सही तरीके से कैलकुलेट कर लिया, तो बड़े आसानी से इस मेथड से हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं बेटा। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, और x निकल जाएगा हमारे पास में स्पीड इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 2। लो बेटा, ये हमारा डिस्टेंस निकालने का तरीका है इनडायरेक्ट मेथड से, और मेथड का नाम है हमारे पास में ईको।
हमें कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, हमें एमीटर से लेकर ऑब्स्टेकल तक की डिस्टेंस निकालनी है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसके लिए हमें वी चाहिए होगा। और बेटा वी जो है ना, हमें पहले से पता है साउंड की जो स्पीड होती है एयर में, साउंड की जो एयर में स्पीड होती है वो 340 मीटर पर सेकंड होती है। साउंड की एयर में जो स्पीड होगी वो 340 मीटर पर सेकंड होगी, 340 मीटर पर सेकंड होगी। बेटा ध्यान रखेंगे आप लोग, ये साउंड की स्पीड होगी हमारे पास में एयर के अंदर 340 मीटर पर सेकंड। बस हमें एक काम करना है, स्पीड को हमें यहाँ पुट करना है, 340 को उठाकर यहाँ पुट करना है, और ये देखना है वॉच में कि हमारे साउंड को जाने में और टकराकर वापस आने में कितना टाइम लग रहा है, उस टाइम को यहाँ पुट करना है। टाइम आपका सेकंड में होना चाहिए, काहे में होना चाहिए, सेकंड में, 2 से डिवाइड करना है तो आप लोगों का काम हो जाएगा। और इस तरीके से आप लोग एको मेथड का यूज़ करके डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। इस मेथड में जिन वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है वो वेव्स हमारी कहलाती हैं बेटा साउंड वेव्स। इस मेथड में जिन वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है वो वेव्स हमारी साउंड वेव्स कहलाती हैं। अब आप ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला है बेटा, और इको मेथड में हम साउंड वेव्स का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर, जल्दी से नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को इसके ऊपर बताऊंगा, आपका कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। देखिए नंबर 2 मेथड जो हमारे पास में आता है इसका नाम है लेज़र। नंबर 2 मेथड का नाम है बेटा हमारे पास में लेज़र। ठीक है, लेज़र मेथड हम इस्तेमाल करते हैं नंबर 2 पर। पहले आता है कि भाई लेज़र की फुल फॉर्म क्या है, लेज़र की फुल फॉर्म क्या है। देखो लेज़र की फुल फॉर्म क्या है, L का मतलब है लाइट, ठीक है बेटा, A का मतलब है एम्पलीट्यूड, S का मतलब है स्टिम्युलेटेड, स्टिम्युलेटेड, ठीक है, E का मतलब है एमिशन, और R का मतलब है रेडिएशन। यानी लेज़र का मतलब है लाइट, एम्पलीट्यूड, स्टिम्युलेटेड, एमिशन एंड रेडिएशन, या हम इसे लाइट एम्पलीफिकेशन भी बोलते हैं, कई बार हम इसे एम्पलीफिकेशन भी बोलते हैं। ए को एम्पलीट्यूड से भी दिखाते हैं और ए को एम्पलीफिकेशन से भी दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लेज़र की फुल फॉर्म लिख लीजिए बेटा। लेज़र की फुल फॉर्म है लाइट एम्पलीफिकेशन, एल का मतलब है लाइट, ए का मतलब है एम्पलीफिकेशन, एस का मतलब है स्टिम्युलेटेड, STIMULATED, स्टिम्युलेटेड, एमिशन एंड रेडिएशन, एमिशन एंड रेडिएशन, लाइट एम्पलीफिकेशन, स्टिम्युलेटेड, एमिशन एंड रेडिएशन, दिस इज अ फुल फॉर्म ऑफ लेज़र। ठीक है, अब कैसे हम लेज़र मेथड का यूज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो भैया ऐसा है, हॉलीवुड, जो हॉलीवुड की मूवीज़ होती हैं वहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि जो टॉम क्रूज साहब हैं, जितने भी हमारी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज़ की मूवीज़ आती हैं उनमें लेज़र का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कैसे, टॉम क्रूज बाबू किसी बिल्डिंग पर चढ़ जाता है और बिल्डिंग पर चढ़ने के बाद में बिल्डिंग से लेकर नीचे तक की हाइट को या नीचे तक की जो डेप्थ है उसे मेज़र करने के लिए अपनी जेब से एक डिवाइस निकालेगा, उसे नीचे की तरफ करेगा और उस डिवाइस के अंदर रीडिंग देखा कि भैया इतनी रीडिंग आ गई, यानी इस बिल्डिंग से लेकर नीचे ज़मीन के सरफेस तक इतनी हाइट है। उस हाइट को मेज़र करने के लिए इसी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है लेज़र। लाइट एम्पलीफिकेशन, स्टिम्युलेटेड, एमिशन एंड रेडिएशन। अब कैसे ये मेथड काम करता है मैं आपको बताता हूँ बेटा। ज़्यादातर जैसे इको वाला मेथड था, इको वाले मेथड का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, इको मेथड का यूज़ हम वहाँ कर सकते हैं जहाँ हमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ना मापनी हो, 1-2 किलोमीटर तक की डिस्टेंस हमें मापनी हो, ऐसे डिस्टेंस मापनी हो जहाँ से हम चिल्लाकर जहाँ तक आवाज़ हमारी पहुँच जाए, वहाँ हम यूज़ करते हैं इको मेथड का या इको मेथड का। लेकिन लेज़र मेथड का यूज़ कुछ लंबी डिस्टेंसेस को मापने के लिए भी हम लोग कर देते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट, लेज़र मेथड में इस तरीके से यहाँ लगा रहता है एमीटर और यहाँ लगा रहता है रिसीवर। ठीक है, हमें डिस्टेंस मेज़र करनी है बेटा यहाँ से यहाँ तक। ये काफ़ी बड़ी डिस्टेंस है स्टूडेंट, ये काफ़ी बड़ी डिस्टेंस है। फिगर में छोटी दिख रही है आपको, लेकिन ये काफ़ी बड़ी डिस्टेंस है। अब होता क्या है बेटा, एमीटर से एक लाइट निकलेगी ऐसे, ठीक है,
सामने वाले ऑब्स्टेकल से टकराएगी और टकराकर वापस होकर रिसीवर पर रिसीव हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे एको मेथड काम कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही लेज़र मेथड काम करता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एको मेथड में काम करती हैं साउंड वेव्स और लेज़र मेथड में काम करती हैं लाइट वेव्स। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है एको मेथड में और लेज़र मेथड में। एको मेथड में काम करती हैं साउंड वेव्स और एको मेथड का यूज़ हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए नहीं कर सकते हैं, लेकिन लेज़र मेथड का यूज़ हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। और जनरली इस मेथड का यूज़ किया जाता है बेटा लंबी डिस्टेंसेस को मापने के लिए, और इस मेथड में हम यूज़ करते हैं लाइट वेव्स का। कौन सी वेव का? लाइट वेव्स का। यानी हमने इस मेथड में जो यूज़ किया है वो लाइट वेव्स का यूज़ किया है। देखिए स्टूडेंट, अब होता क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी लाइट जाएगी ऐसे, ठीक है, और लाइट ने मेज़र की एक्स डिस्टेंस। अब आप देखो, हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट वेव्स। हाँ भाई बच्चों, लाइट वेव्स ने कितने डिस्टेंस को ट्रेवल किया? यहाँ से यहाँ जाने में लाइट की वेव्स ने एक्स डिस्टेंस को ट्रेवल किया, और वापस आने में कितने डिस्टेंस को ट्रेवल किया? वापस आने में भी एक्स डिस्टेंस को ट्रेवल किया। यहाँ से यहाँ जाने में एक्स और वापस आने में एक्स, तो लाइट ने कुल मिलाकर डिस्टेंस ट्रेवल की है 2x। समझ आ गई बात? डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास में होता है स्पीड इंटू टाइम। समझ आ रही बेटा बात? अब लाइट की जो स्पीड है, फ़र्क हर मेथड में सिर्फ स्पीड का आएगा और किसी चीज़ का फ़र्क नहीं आएगा। जैसे एको मेथड में हमने यहाँ साउंड की स्पीड को पुट किया था, और लेज़र मेथड में हम यहाँ पुट करेंगे लाइट की स्पीड को। बेटा लाइट की जो स्पीड होती है वो हमारी सी के इक्वल होती है। सी का मतलब है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। साथ में है मेरे पास में टाइम, और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी c×t/2। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना है, सेम फार्मूला, बिल्कुल यही फार्मूला हमारे पास में था, बिल्कुल यही फार्मूला हमारे पास में एको मेथड में था स्टूडेंट, और बिल्कुल यही फार्मूला हमारे पास में लेज़र मेथड में है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ C की जगह V था, और यहाँ C लाइट की स्पीड है जो होता है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। सेम फार्मूला है, सिर्फ और सिर्फ स्पीड का फ़र्क है। एको मेथड में साउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, और लेज़र मेथड में लाइट वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ स्पीड की जगह लाइट की स्पीड पुट की जाएगी जो सी के इक्वल होती है बेटा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अभी हमने दो ही मेथड डिस्कस किए हैं, एको मेथड एंड लेज़र मेथड। क्लियर? नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, फिर हम एक बार ही इनके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपकी सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी बेटा। जल्दी से नोट डाउन करिए आप लोग अपनी कॉपी में। ओके बच्चों, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब हम लोग जाते हैं बच्चों नंबर 3 पर। देखिए नंबर 3 पर जो मेथड का नाम है हमारे पास में वो है रडार। नंबर 3 पर आता है रडार, ठीक है। अब हम जानेंगे रडार के बारे में। सबसे पहले आप रडार की फुल फॉर्म अपनी कॉपी में लिख लीजिए। क्या होता है रडार? लिखिए रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार की फुल फॉर्म है बेटा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ रडार, ठीक है। अब मैं रडार मेथड आप लोगों को बताऊं बेटा, उससे पहले मैं इस मेथड की इम्पॉर्टेंस आपको बता देता हूं। भाई हमारे पास में ऑलरेडी दो मेथड हैं, एक का नाम है इको मेथड जिसका हम यूज़ करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस निकालने के लिए, और एक है हमारे पास में लेज़र मेथड जिसका हम यूज़ करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस निकालने के लिए। इको मेथड में हम यूज़ करेंगे साउंड वेव्स का, और लेज़र मेथड में हम यूज़ करेंगे लाइट वेव्स का। अब आता है रडार मेथड। रडार मेथड बेसिकली किस काम के लिए यूज़ किया जाता है, पहले आप ये समझिए। जैसे मान लो कि इंडिया का एयर स्पेस है बेटा,
इंडिया का एयर स्पेस, एयर स्पेस का मतलब है इंडिया के ऊपर जो आसमान है जिसके अंदर हवाई जहाज फ्लाई करते हैं, एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं, वो एयर स्पेस कहलाता है। ठीक है, अब हर एक कंट्री अपने एयर स्पेस के अंदर किसी भी अदर एयर एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए, मान लो कि इंडिया के एयर स्पेस में चाइना का कोई एयरक्राफ्ट आ गया, तो इंडिया के जो रडार्स हैं उस एयरक्राफ्ट को एकदम डिटेक्ट कर लेंगे कि भैया वो एयरक्राफ्ट कहाँ पर है, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, कितनी हाइट पर मूव कर रहा है। समझ में आ रही बात? तो किसी भी एयरक्राफ्ट की पोजीशन, किसी भी एयरक्राफ्ट की पोजीशन, किसी भी एयरक्राफ्ट की स्पीड को पता लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं इस मेथड का, जिसका नाम है रडार। आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी लोगों ने हवाई जहाज़ का सफ़र किया है, हवाई जहाज़ की एक एक लोकेशन, एक एक लोकेशन जो ATC होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो होता है, उसके पास में रहती है। यानी ATC के साथ हवाई जहाज़ का पूरा कांटेक्ट बना रहता है। तो ATC और हवाई जहाज़ का जो कांटेक्ट है वो कैसा बना रहता है? वो बना रहता है रडार मेथड का यूज़ करके। ATC ने जो अपने रडार लगाए हुए हैं, वो रडार एयरक्राफ्ट की लोकेशन को हर समय डिटेक्ट करके रखता है कि एयरक्राफ्ट की लोकेशन कहाँ है। कभी कभी अखबारों में, न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हैं कि भाई इस हवाई जहाज़ का संपर्क ATC के साथ में टूट गया, इस समय हवाई जहाज़ का संपर्क ATC के साथ में नहीं रहा। तो संपर्क टूटने का मतलब यह है कि जब रडार एयरक्राफ्ट की पोजीशन को लोकेट या डिटेक्ट नहीं कर पाता है, तब ATC का कांटेक्ट उस एयरक्राफ्ट के साथ में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो क्लियरली बात ये हो गई कि जब हमारे एयर कंट्रोल में या हमारे एयर स्पेस में कोई भी एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है, तो उस एयरक्राफ्ट की पोजीशन को डिटेक्ट करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं या जिस मेथड का यूज़ करते हैं, वो है हमारे पास में रडार। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी अदर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूँ। आप सभी लोगों ने सुना होगा, अभी बड़ा चिल्लम चिल्ली हो रही थी, ठीक है, नहीं कि भाई इंडिया ने राफेल खरीद लिए, इंडिया ने राफेल जितने भी एयरक्राफ्ट है वो ले लिए, राफेल एयरक्राफ्ट इतना अच्छा है, राफेल सच में राफेल एयरक्राफ्ट बहुत बढ़िया है। लेकिन अभी वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट जो माना जाता है वो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट माना जाता है। यानी 5th जनरेशन का जो एयरक्राफ्ट है वो सबसे ज़्यादा एडवांस माना जाता है। और 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट सिर्फ 2 कंट्रीज़ के पास में है अभी, एक रशिया के पास में है, और एक USA यानी अमेरिका के पास में है। अब उस 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट की खास बात होती है, वो जिस मटेरियल का बना होता है या जिस टेक्नोलॉजी से बना होता है उसे बोलते हैं स्टिल्थ टेक्नोलॉजी। वो स्टिल्थ टेक्नोलॉजी क्या है? वो स्टिल्थ टेक्नोलॉजी ये है कि रडार इस स्टिल्थ मटेरियल को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। यानी जितने भी 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं बेटा, जितने भी 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, इन 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को रडार कभी डिटेक्ट नहीं कर पाता। आप जानते हैं कि 2011 के अंदर पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने एक सर्जिकल स्ट्राइक करके मार गिराया। अब अमेरिका जो सील कमांडो जिस एयरक्राफ्ट में आए थे वो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट था। अब किसी को पता नहीं चल पाया कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक का क्या ऑपरेशन रहा, क्या नहीं रहा। खुद पाकिस्तान को भी पता नहीं था कि अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करके ओसामा बिन लादेन को मार गिरा दिया है। ठीक है, सभी को सुबह पता चला कि भैया यहाँ कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और ओसामा बिन लादेन को मार गिरा दिया गया है। अब जब पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस में रडार लगाए हुए हैं, तो कैसे वो सील कमांडो को पकड़ नहीं पाया, कैसे अमेरिका से जितने भी सील कमांडो आ रखे थे वो उसकी एयर एक्टिविटी में डिटेक्ट नहीं हो पाए? क्योंकि USA से जितने भी कमांडो आए थे वो ऐसे एयरक्राफ्ट में आए जो स्टिल्थ टेक्नोलॉजी से बना हुआ था, और ये वो टेक्नोलॉजी है जिसे हमारे रडार डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं बेटा। समझ आ रही बात? अब इंडिया के पास जो सबसे हाई जनरेशन का एयरक्राफ्ट है वो है 4.5। यानी जस्ट हमने अभी जो राफेल परचेज किए हैं फ्रांस से हम लोगों ने राफेल को परचेज किया है, ये 5th जनरेशन का नहीं है, ये 4.5 जनरेशन का है। 4.5 यानी चौथी और पांचवी जनरेशन के कहीं बीच का एयरक्राफ्ट है बेटा। ठीक है, 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और ये रडार यानी रडार इसे डिटेक्ट कर सकते हैं, रडार इस एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, रडार इस एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं स्टूडेंट कि कैसे हम रडार मेथड का यूज़ करके किसी भी एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग,
अब आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखो मान लेते हैं कि भैया ये है हमारे पास में रडार, हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये रडार लगाया हुआ है, ठीक है। हमारी एयर स्पेस में ये यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट कुछ इस तरीके से फ्लाई कर रहा है, ठीक है। एक एयरक्राफ्ट कुछ इस तरीके से फ्लाई कर रहा है, तो होगा क्या, रडार के अंदर से एक वेव्स निकलेंगी, जिन वेव्स को हम नाम देते हैं माइक्रोवेव्स, ठीक है। साउंड वेव्स एको में यूज़ करते हैं, लाइट वेव का हम यूज़ करते हैं लेज़र मेथड में, और रडार मेथड में जिन वेव्स का यूज़ होता है इन्हें हम लोग बोलते हैं माइक्रोवेव्स। यहाँ से माइक्रोवेव्स निकलेंगी, माइक्रोवेव्स एयरक्राफ्ट से टकराएंगी और टकराकर वापस लौट जाएंगी, समझ आ रही बात। और मान लीजिए कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, यह है एक्स, तो एक्स का फॉर्मूला हमारे पास में बन जाएगा जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, v into t divided by 2। ये जो v आपको दिख रहा है बेटा, ये v है हमारे पास में स्पीड ऑफ माइक्रोवेव्स, ठीक है, समझ आ रही बात। और ये है t है हमारे पास में टाइम, और 2 आप जानते ही हैं क्या है, और माइक्रोवेव की स्पीड आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी, जब भी प्रॉब्लम आप लोगों से पूछी जाएगी इस माइक्रोवेव की स्पीड को आपको गिवन दिया जाएगा। इस तरीके से आप एयरक्राफ्ट से लेकर रडार के बीच की पोजीशन, उनके बीच की डिस्टेंस बड़े आराम से लोकेट भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं। फॉर्मूला सेम है, यही मेथड हमने इको में यूज़ किया, यही मेथड हमने लेज़र में यूज़ किया, और यही मेथड हम यूज़ कर रहे हैं रडार मेथड में, समझ आ गई ना बात। सिर्फ वी बदलेगा बेटा, सिर्फ वी। इको मेथड में जो वी था वो 340 था, लेज़र मेथड में जो वी था वो 3 × 10^8 था, और रडार मेथड में जो वी है वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में हमें माइक्रोवेव की स्पीड कितनी दे रखी है। इस तरीके से हम एयरक्राफ्ट की पोजिशन को बता सकते हैं। होप सो कि आपको रडार मेथड समझ में आ गया हो और कोई परेशानी आप लोगों को यहाँ तक ना हो, जल्दी से नोट करिए। अब आते हैं हम लोग मेथड नंबर 4 पर बेटा, चौथे मेथड को हम लोग करेंगे डिस्कस, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करिए आप लोग। ओके बच्चों, अब आप देखिए कि चौथे नंबर पर जो हमारे पास में आता है भाई, इसे नाम दिया जाता है सोनार। चौथे नंबर पर जो हमारे पास में आता है इसे हम नाम देते हैं सोनार, ठीक है। यह है मेथड नंबर 4 डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए, इनडायरेक्ट तरीके से जब भी डिस्टेंस आपको मेज़र करनी है तो ये हमारा चौथा मेथड रहेगा। सबसे पहले आप इसके लिखिए फुल फॉर्म है बेटा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार की जो फुल फॉर्म है हमारे पास में वो है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये है हमारी सोनार की फुल फॉर्म बेटा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। अब देखो सोनार मेथड का यूज़ हम कहाँ करते हैं, किसी भी समुद्र की गहराई को मेज़र करने के लिए, ओशियन या सी की डेप्थ को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं सोनार मेथड का। कैसे बेटा ज़रा समझिए, भाई मान लीजिए कि यह है अपने पास में एक शिप, ठीक है, यहाँ लगा हुआ है ट्रांसमीटर और यहाँ लगा हुआ है रिसीवर। ट्रांसमीटर के अंदर से निकलती हैं वेव्स, ऐसे ज़मीन से जाकर टकराती हैं और रिसीवर पर जाकर हो जाती हैं रिसीव। यहाँ से वेव्स निकलेंगी और यहाँ जाकर रिसीव हो जाएंगी, समझ आ रही बात। इन वेव्स का नाम होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स। इन वेव्स का नाम है भैया अल्ट्रासोनिक वेव्स। और मान लेते हैं जो इसकी डेप्थ आपको दे रखी है, ये डेप्थ है एक्स, तो वही है बेटा। डेप्थ निकालने का फॉर्मूला सेम है हमारे पास में इन चारों मेथड के अंदर, और ये हो जाएगा डेप्थ निकालने का फॉर्मूला।
एक्स इज इक्वल टू वी इंटू टी डिवाइडेड बाय टू। टी क्या है? टी है ट्रांसमीटर से निकलकर यहाँ से टकराई और रिसीवर पर जाकर रिसीव हो गई, इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगा, वेव्स को जाने में और टकरा कर लौट कर आने में कितना टाइम लगा, यह है टी हमारे पास में। वी का मतलब है अल्ट्रासोनिक वेव्स की स्पीड। बेटा वी है हमारे पास में स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। वी है हमारे पास में स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। टी मैं आपको बता चुका हूँ टाइम है, और टू आपके पास में कांस्टेंट है, और सोनार मेथड की फुल फॉर्म भी हम आपको बता चुके हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। किसी भी शिप का यूज़ करके ओशियन या सी की डेप्थ को मेजर करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। ये हमारे पास में फॉर्मूला है, चारों मेथड में फॉर्मूला सेम है, सिर्फ वी बदल रहा है बार बार। वी आपका हर बार बदल जाएगा, क्योंकि इको मेथड में किसी और वेव का यूज़ किया जाता है, लेज़र मेथड में किसी और वेव का यूज़ करते हैं, रडार मेथड में किसी और का यूज़ करते हैं, और सोनार मेथड में किसी और वेव का यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास में हो गए हैं 4 इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेज़रमेंट। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं बेटा आगे। ओके स्टूडेंट, तो बेटा हमने चारों मेथड डिस्कस कर लिए हैं, अब आता है हमारे पास में मेथड नंबर 5। ठीक है, जानते हैं कि मेथड नंबर 5 क्या है। भाई मेथड नंबर 5 है हमारे पास में पैरालेक्स मेथड ऑफ मेजरमेंट। देखो बेटा ध्यान से, मेथड नंबर 5 है हमारे पास में पैरालेक्स मेथड ऑफ मेजरमेंट। क्या हम कहाँ करते हैं पैरालेक्स मेथड ऑफ मेजरमेंट का यूज़? ध्यान से सुनिएगा, पैरालेक्स मेथड ऑफ मेजरमेंट का यूज़ किया जाता है अर्थ और मून के बीच का गैप निकालने के लिए, या अर्थ और सन के बीच का गैप निकालने के लिए, दो प्लैनेट्स के बीच का गैप निकालने के लिए, स्टार या प्लैनेट्स के बीच का गैप निकालने के लिए, यानी जितनी भी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज होती हैं, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज माने जितनी भी स्पेस की डिस्टेंसेज होती हैं, उन सब को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं इस मेथड का, नाम है पैरालेक्स मेथड ऑफ मेज़रमेंट। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से समझिएगा, ये है हमारे पास में अर्थ का सरफेस, ये हमारे पास में अर्थ का सरफेस है बेटा, और यहाँ हम लोगों को दे रखा है मून। ठीक है, ये हमें दे रखा है यहां पर मून, ये हमें यहां मून दे रखा है। ठीक है, ये अर्थ का सरफेस है और ये हमारे पास में मून है। हमें मून का साइज बताना है कितना होगा, मून का साइज का मतलब है कि मून का डायमीटर कितना होगा, ये मून का डायमीटर कितना होने वाला है, समझ में आ रही बात। यहां है अपने पास में ऑब्जर्वर, यानी यहां खड़े होकर कोई मून को देख रहा है, तो मून का जो डायमीटर है, बेटा ध्यान से सुनिएगा, मून का जो डायमीटर है हम लोगों ने लेट किया कि मून का डायमीटर है कैपिटल डी, मून का डायमीटर है कैपिटल डी, समझ रहे हो बेटा। मून से लेकर अर्थ के बीच का जो गैप है, ये मून है ये अर्थ है, इनके जो बीच का गैप है वो आपको दे रखा है बी, और मून का जो डायमीटर है, ये जो मून का डायमीटर है ये अर्थ पर बनाता है थीटा एंगल, यहाँ थीटा एंगल बनता है स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास में बनता है थीटा एंगल। तो इस मेथड का नाम है पैरालेक्स मेथड, और हम इसका यूज़ करेंगे लंबी और लार्ज डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए। मून का डायमीटर हमें दे रखा है कैपिटल डी, ये जो मून का डायमीटर है ये अर्थ पर बनाता है थीटा एंगल, और मून और अर्थ के बीच का जो गैप है हमारे पास में, मून और अर्थ के जो बीच का गैप है ये हमें दे रखा है बी। तो बच्चों फॉर्मूला अपने पास में ये होगा
कैपिटल डी साइज ऑफ मून इज इक्वल टू बी इंटू थीटा, कैपिटल डी इज इक्वल टू साइज ऑफ मून इज इक्वल टू बी इंटू थीटा। बी क्या है? मून और अर्थ के बीच का गैप बी, और ये जो डायमीटर है इसकी वजह से यहाँ कितना एंगल बन रहा है, ये है थीटा। अब ये जो थीटा है ना बेटा, अभी तक 10th क्लास तक आपने थीटा यानी एंगल को सिर्फ और सिर्फ डिग्री में पढ़ा है, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सिर्फ डिग्री में पढ़ा है ना। लेकिन एंगल को सिर्फ डिग्री में मापा नहीं जाता है, एंगल को मेज़र करने का एक और तरीका है हमारे पास में, और उसे हम लोग बोलते हैं रेडियन मेजरमेंट। एंगल को मापने का एक और तरीका है हमारे पास में और उसे हम लोग बोलते हैं रेडियन मेजरमेंट, उसे हम लोग बोलते हैं रेडियन मेजरमेंट। समझ रहे हो बेटा? ये हमारा रेडियन मेजरमेंट कहलाता है, रेडियन मेजरमेंट। ठीक है, तो हमेशा एंगल हमें रेडियन में रखना है, हमेशा एंगल हमें रेडियन में रखना है। अगर कभी आपको डिग्री में दे भी रखा है ना, तो पहले इसका यूज़ करके उसे रेडियन में बदल दो। डिग्री को यहाँ रखो, जो डिग्री मेजरमेंट है उसे यहाँ रखो और मल्टीप्लाई कर दो पाई अपॉन 180 से, ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। और रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ रखना है बेटा। ठीक है, मैं समझाऊंगा, चिंता मत करो, बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगा पैरेलेक्स मेथड के ऊपर, क्योंकि ये आपके स्कूल एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बहुत बनेंगे इसके अंदर। पहले आप इसे लिख लो, फिर मैं आप लोगों को बताना स्टार्ट करूंगा। जल्दी से लिखो जरा फटाफट अपनी कॉपी में। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया। अब आप देखो इसके ऊपर एग्जाम्पल नंबर 1। भाई सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसके ऊपर। देखो बेटा, ये हमें दे रखा है यहाँ पर मून, ठीक है, और ये हमें दे रखा है अर्थ का सरफेस। ये है हमारे पास में मून और ये है हमारे पास में अर्थ का सरफेस। यहाँ हमें दे रखा है एक पॉइंट, यहाँ हमें एक पॉइंट गिवन दिया है, ठीक है। हमने मून को यहाँ इस पॉइंट से ज्वाइन करा दिया बच्चों, कुछ ऐसे हमने मून को इस पॉइंट से ज्वाइन कराया, कुछ इस तरीके से। कुछ ऐसे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप देखो, ये जो डिस्टेंस हमें दे रखी है यहां से लेकर यहां तक, ये हमें निकालनी है कैपिटल डी। कैपिटल डी का मतलब है साइज ऑफ मून, मून का साइज हमें निकालना है। समझ आ रही बेटा बात? ये है हमारे पास में अर्थ, ठीक है। अर्थ से लेकर मून के बीच का जो गैप हमें दे रखा है, अर्थ से लेकर मून के जो बीच का गैप हमें दे रखा है, अर्थ से लेकर मून के बीच का गैप हमें दे रखा है 10^8 मीटर। ये अर्थ और मून के बीच का गैप है, और यहाँ ये जो एंगल बन रहा है, दिख रहा है एंगल आपको? ये एंगल बन रहा है 2 डिग्री, ये एंगल बन रहा है 2 डिग्री। हमें कैपिटल डी निकालना है कितना होगा। कैपिटल डी का मतलब है साइज ऑफ मून, हमें बताना है कितना होगा। सबसे पहले आप ये देखो बेटा, मून के साइज को निकालने का फॉर्मूला है क्या हमारे पास में। हम लिखेंगे साइज ऑफ मून कैपिटल डी इज इक्वल टू बी इंटू थीटा, ये हमारे पास में फॉर्मूला है। कैपिटल डी इज इक्वल टू बी इंटू थीटा, ये हमारे पास में फॉर्मूला है। अब आप देखो, कैपिटल डी तो हमें निकालना है और बी हमें गिवन दे रखा है। बी का मतलब होता है कोई भी प्लैनेट दे रखा है आपको, दो प्लैनेट्स के बीच का गैप, दो ऑब्जेक्ट के बीच का गैप। मून एक ऑब्जेक्ट है, अर्थ दूसरा ऑब्जेक्ट है, उनके जो बीच का गैप होगा वो कैपिटल बी कहलाएगा। वो हमें गिवन दे रखा है 10^8 और साथ में है थीटा। थीटा माने एंगल। देखो बेटा, एंगल कितना दे रखा है आपको, एंगल दे रखा है 2 डिग्री, डिग्री है ना। क्या ये थीटा हमें यहाँ पर डिग्री में रखना है? नहीं, ये थीटा हमें यहाँ पर डिग्री में नहीं रखना है।
ये थीटा हमें यहाँ पर रखना है रेडियन में, काहे में रखना है रेडियन में। तो थीटा को हम पहले कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। रेडियन में निकालने का तरीका है पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय डिग्री एंगल, पाई अपॉन 180 एंड मल्टीप्लाई बाय डिग्री एंगल। देखो बेटा, अब रेडियन की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, रेडियन की वैल्यू आएगी पाई अपॉन 180, डिग्री एंगल है हमारे पास में 2 डिग्री, जो डिग्री एंगल है वो 2 डिग्री है, मैंने डिग्री एंगल की जगह 2 डिग्री रख दिया है बेटा यहाँ पर, ठीक है। इससे इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ गया हमारे पास में पाई अपॉन 90, आ गया है ना पाई अपॉन 90। तो रेडियन की वैल्यू हो गई हमारे पास में पाई अपॉन 90, यहाँ से उठाइए और यहाँ पुट करिए। सो कैपिटल डी इज इक्वल टू 10^8, थीटा की वैल्यू है पाई और अपॉन में है 90, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं भाई, पाई को हम लिख सकते हैं 3.14 इंटू 10^8 मल्टीप्लाई बाय 90, एक जीरो से ये ख़त्म, ये 10^7 हो गया। सो करेक्ट आंसर इज 3.14 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10^7 मीटर, ये आंसर होगा बेटा हमारा। यानी मून का जो डायमीटर निकल कर आएगा, मून का जो साइज निकल कर आएगा, इसको इससे डिवाइड करके आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो मून का साइज हमारा इतना निकल कर आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक तो आपको फार्मूला याद रखना है, फार्मूला बिल्कुल नहीं भूलना है, फार्मूला आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमेशा आपको थीटा याद रखना है बेटा, थीटा आपको डिग्री में नहीं लेना है, थीटा हमेशा आपको लेना है यहाँ पर रेडियन में। काहे में लेना है? रेडियन में, भूलना नहीं है, अच्छे तरीके से याद रखेंगे। और डिग्री को रेडियन में बदलने का तरीका है हमारे पास में ये, करिए नोट डाउन। एक और एग्जांपल मैं अभी इसके ऊपर बताता हूँ, बहुत एग्जांपल बनेंगे इसके ऊपर, बहुत सारे एग्जांपल, धीरे धीरे करके आपके सारे डाउट, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। करिए जल्दी से नोट डाउन बेटा। ओके स्टूडेंट, तो अभी हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल की। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में, ये हमें सन दे रखा है बेटा, ध्यान रखिएगा, ये हमें दे रखा है सन, ठीक। और यहाँ हमें दे रखा है, यहाँ हमें दिया गया है अर्थ, ये है हमारे पास में अर्थ, ठीक है बेटा, ये है सन और ये है हमारे पास में अर्थ। अर्थ का जो डायमीटर हम लोगों को दे रखा है, अर्थ का डायमीटर है कैपिटल डी। सन पर अर्थ की वजह से जो एंगल बन रहा है, सन पर अर्थ की वजह से जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है सन पर अर्थ की वजह से, ये एंगल बन रहा है आपके पास में, दिख रहा है एंगल, ये एंगल बन रहा है आपके पास में 1 डिग्री, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री, ओके। और यह है अर्थ, अर्थ और सन के जो बीच का गैप आपको दे रखा है, ये गैप है 1 AU, 1 AU का मतलब है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बेसिक सा क्वेश्चन है, मैं स्टार्टिंग में कुछ बेसिक क्वेश्चन बताकर आपके कंसेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है, नहीं जिससे कि आप चीज़ों को समझ जाएं, आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। अब आप देखो बेटा, अर्थ के और सन के बीच का गैप है 1 AU, एंगल बन रहा है 1 डिग्री, हमें अर्थ का साइज बताना है कितना होगा। तो हम लिखेंगे साइज ऑफ अर्थ कैपिटल डी इज इक्वल टू बी इंटू थीटा, ये हमारे पास में होता है बेटा फॉर्मूला, कैपिटल डी इज इक्वल टू बी इंटू थीटा। बी का मतलब क्या है? बी का मतलब ये है अर्थ के और सन के बीच का गैप कितना है। तो अर्थ और सन के बीच का गैप है 1 AU, 1 AU माने 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसकी वैल्यू हमारे पास में होती है ये, बेटा याद रखोगे, ये हमारी 1 AU की वैल्यू है, आगे से याद रखना इसका यूज़ होगा। 1 AU की वैल्यू है 1.496 × 10^11, ओके। थीटा हमें कितना दे रखा है?
थीटा हमें दे रखा है 1 डिग्री, लेकिन डिग्री में तो हमें रखना ही नहीं है, हमें तो रेडियन में रखना है। तो रेडियन में इसे कैसे बदलेंगे? रेडियन में इसे बदलेंगे पाई अपॉन 180, और साथ में होगा हमारे पास में डिग्री एंगल। पाई अपॉन 180 और साथ में होगा हमारे पास में डिग्री एंगल। पाई अपॉन 180 और साथ में होगा डिग्री एंगल। सो देखो स्टूडेंट, रेडियन एंगल इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 और डिग्री एंगल है हमारे पास में 1, तो रेडियन की वैल्यू हमारे पास में आ गई है पाई अपॉन 180। ये हमारे पास में एंगल निकल गया है बेटा रेडियन में, ये हमारा एंगल आ गया है रेडियन में। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। कैपिटल डी इज इक्वल टू, बताइए बी कितना है हमारे पास में, ये है बी हमारे पास में 1.496 × 10^11। ओके, और थीटा कितना है हमारे पास में? थीटा है हमारे पास में पाई अपॉन 180। बेटा मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा मीटर में, और इस पाई की जगह आप रखोगे 3.14। जो पाई आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, इस पाई की जगह आप रखेंगे 3.14 और पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपका डायमीटर निकल जाएगा कि अर्थ का डायमीटर कितना होने वाला है या अर्थ का साइज कितना होने वाला है। ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने सिर्फ पैरेलेक्स मेथड की है शुरुआत, इसके ऊपर बनते हैं बहुत अच्छे अच्छे और बहुत सारे क्वेश्चन जो अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, आज की क्लास में हमने बात की है इनडायरेक्ट मेथड की, जिन्हें हम डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट से मेज़र नहीं कर सकते हैं, और 5 इनडायरेक्ट मेथड हैं हमारे पास में, इको, लेज़र, रडार, सोनार एंड पैरेलेक्स मेथड। अभी हम कर रहे हैं पैरेलेक्स मेथड की प्रॉब्लम्स, इसके साथ साथ बीच में मैं आपको लेज़र, सोनार, इको और रडार की प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा, फिर इनडायरेक्ट मेथड हो जाएगा हमारा फिनिश। आप लोगों का काम यह है कि जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं उन्हें अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट करें, और उनके क्वेश्चंस को आप एक बार रिपीट करें, उनके कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करें। मिलते हैं बेटा आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।